बीते पांच वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है, अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भूबिया। प्रधानमंत्री मोदी के तेवर साफ दिखाई देने लग गए हैं। जो उन्होंने कहा था वो करना शुरू कर दिया है। पी चिदम्बरम के बाद ये आंच आगे कहां कहां तक जाएगी हम आपको बताएंगे। पी चिदम्बरम सलाखों के पीछे हैं, उन्हें बचाने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई है। कभी सोचा आपने कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट क्यों हो गई है? क्योंकि कांग्रेस में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब डर गए हैं। बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि इसके बाद कौन जेल जाने वाला है, अब किसका नंबर आने वाला है, कौन कौन किस किस केस में जमानत पर है, ये भी आपको आज हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में 5 साल पहले मोदी सरकार बनने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता जांच के घेरे में आ गए हैं और अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो आप खुद सुन लीजिए। इनको गरीब का लूटा एक एक पैसा लौटाना ही पड़ेगा। जिस तरह से मिशेल मामा को उठाकर लाए हैं, इनके बाकी चाचाओं को भी भारत आना ही पड़ेगा। बीते 5 वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है, अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। अब बताते हैं कौन कौन जेल जाएगा। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से। सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि ये दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है। इस वक्त ये दोनों जमानत पर बाहर हैं। जमानत मतलब बेल। अगला नाम है रॉबर्ट वाड्रा का। ये सोनिया गांधी के दामाद हैं और प्रियंका गांधी के पति। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है। वाड्रा भी जमानत पर बाहर हैं। जल्द ही इन पर भी एक्शन हो सकता है। उसके बाद नाम आता है अहमद पटेल का। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और किसी जमाने में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार माने जाते थे। अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में अहमद पटेल का नाम कमीशन लेने वालों में शामिल है। माना जाता है कि इन्होंने हेलीकॉप्टर कंपनी से कमीशन लिया था। इस मामले की जांच सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी समेत कई जांच एजेंसियां कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। फिर नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। ये जनाब भी जमीन सौदे घोटाले में सीबीआई की जांच में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इस मामले में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई बार पूछताछ की है और हुड्डा कोर्ट के कई चक्कर भी लगा चुके हैं। फिर नाम आता है शशि थरूर का। शशि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की कथित हत्या के मामले में आरोपी हैं। इस मामले की जांच भी तेजी से हो रही है, ऐसे में शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिर नाम आता है शरद पवार का। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के एक बड़े अच्छे सहयोगी भी, जो महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेटेड बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं। इनके ऊपर 1000 करोड़ के घोटाले का कथित आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार समेत 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, ये सूची, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राज ठाकरे समेत कई नाम हैं जिनकी जांच हो रही है। खैर, हमने आपको कुछ बड़े लोगों के नाम बता दिए जो बहुत जल्द जेल जा सकते हैं। कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार कितना है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्षा राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही जमानत पर यानी बेल पर बाहर हैं।
मोदी सरकार के इस एक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।